गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सी ए इंटर जनवरी 25 की एग्जाम के लिए आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप वन के लिए डिटेल स्टडी स्ट्रेटेजी, डे वाइज टारगेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया ना शेड्यूल तो मिल जाता है या हम बना भी लेते, बट डे वाइज टारगेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग का टारगेट उस हिसाब से अगर मिल जाता। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम शेड्यूल तो हम बना लेते बट फॉलो नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये शेड्यूल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है और ये शेड्यूल ग्रुप वन के लिए है। ग्रुप टू के लिए भी ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, बोथ ग्रुप के लिए भी ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों चीज़ें, सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये PDF, ये स्ट्रेटेजी, ये कैसे हमने बनाया हुआ और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर मैंने जो शुरुआत की है वो 10 नवंबर से शुरुआत की है, ठीक है? देखो, आओ मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्चुअल में करना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने जो शुरुआत की है वो हमने 10 नवंबर से शुरुआत की है, और इसमें हमने क्या किया है, दिन में दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक आपका टॉपिक वन हो गया, एक टॉपिक टू हो गया, मतलब दिन का दो हिस्सा कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको हाफ डे का टारगेट रहेगा। अब आप हाफ डे अपने हिसाब से रख सकते हो, मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो, तो अपने हिसाब से आप हाफ डे डिसाइड करिए और वहां तक आपका हाफ टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पूरे दिन का टारगेट नहीं है, हाफ डे का टारगेट है, तो आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा कि भैया इतने टाइम तक ये तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के बहुत बेहतरीन तरीके से डे वाइज डिटेल स्ट्रेटजी हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ एक और बहुत बेहतरीन चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो बैकलॉग वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्पेशली किसके लिए रखा है? ये एक दिन इसीलिए रखा है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है कि भैया हमने वो बना तो लिया स्टडी शेड्यूल, बट कुछ रीजंस के कारण अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीक हमें फिर से उसको रिवाइज करना पड़ता है, एंड ये सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड उससे काफी डीमोटिवेशन होता है। तो हमने क्या किया कि आफ्टर अ फ्यू डेज हमने कुछ सेशन, यहाँ पे मैंने पहले पूरा दिन रखा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, हाफ डे रखा हुआ है, ठीक है? तो बैकलॉग के लिए इस तरीके से हमने टाइम को रखा हुआ है। इससे होगा क्या कि अगर आप उस वीक में वो कंप्लीट नहीं कर पाए अपना टारगेट, तो बैकलॉग वाले दिन पे आप क्या कर सकते हो, जो टारगेट आपका रह गया उसको कंप्लीट करिए। अगर आप कहोगे नहीं भैया हमारा तो सब कंप्लीट है, तो आप उस दिन पे रिवाइज कर सकते हो, या एक्स्ट्रा जो चीजें आपको पढ़नी है, लेक्चर्स देखने हैं, जो भी चीजें वो आप उस दिन में कर सकते हो। तो ये प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी पूरी चीजों को समझ के बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। ये जो PDF है, ये PDF आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से बनाया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है टॉपिक वन, टॉपिक टू। तो ये PDF आपको भैया टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इस वीडियो के तुरंत बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये जो PDF है, ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट रीडिंग के लिए दिया है। सेकेंड रीडिंग के लिए अगेन एक PDF वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, जैसे ये लास्ट डे आएगा उसके पहले पहले अपलोड हो जाएगी। आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा 2-3 बार की, भैया ये वाला सेकेंड रिवीजन वाला है, ठीक है? तो ये फर्स्ट रिवीजन वाला आप शुरू कर दीजिए, जैसे ये कंप्लीट होने आएगा। सेकेंड रिवीजन किस तरीके से करना है, थर्ड किस तरीके से करना है, मेंटरशिप की जरूरत होगी तो वो भी लेके आएंगे, तो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये PDF को डाउनलोड करो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका हो चुका है भाई, बस आपको इससे स्टिक रहना है, बैकलॉग से सारी चीजों को कवर करो। बाकी आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप जरूर से मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।